जर्जर भवन को हटाने की जो प्रक्रिया है वो नगर निगम की रूटीन प्रक्रिया है। इस बार हमने पारदर्शिता रखते हुए 26 ऐसे भवन आइडेंटिफाई किए थे और उनकी सूची को मीडिया में भी पब्लिश किया था और विधायक जी के साथ भी उसको शेयर किया गया था। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, आज जब वहाँ पर टीम कार्रवाई करने के लिए पहुँची तो न केवल उस कार्रवाई का विरोध हुआ बल्कि विधायक के द्वारा और अपने अन्य जो उनके समर्थक गण थे उनको एक तरीके से गुंडागर्दी का प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के ZO और BO जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मारपीट की गई। सारी की सारी घटना वीडियो फुटेज में और सोशल मीडिया पर मौजूद है। मुझे लगता है कि ऐसी घटना पूरी तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों का मनोबल को तोड़ने वाली है और वो भी कर्मचारी निगम के जो लगातार 3 बार से पूरे भारत में इंदौर को नंबर 1 बना रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से इससे अधिक पीड़ाजनक और कोई बात नहीं हो सकती। इस संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब और पुलिस से बात करके उनके खिलाफ उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज हो ये सुनिश्चित किया हुआ है और प्लस ये भी बोला गया है कि तत्काल इसमें उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो जर्जर भवन था जिसको लेके विवाद हुआ था, चूंकि अभी भी वो जर्जर भवन की श्रेणी में है और बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में, उसको भी आज हमारे द्वारा तोड़ने की कार्रवाई करी जाएगी। और मैं नगर निगम के कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी हालत में अगर उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हम लोग तत्काल जो भी कानूनी पहलू होगा उस पर विचार करके एक्शन लेंगे। देखिए, सभी वीडियो में सबके सामने है कि किस लिए वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, पूरा वीडियो में मौजूद है। और आत्मरक्षा में व्यक्ति हमारे निगम के कर्मचारी कुछ भी नहीं कर रहे थे, वहाँ पर खड़े हुए थे, कार्रवाई अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उनके द्वारा इस प्रकार की हिंसक घटना की गई। तो कहीं से भी कोई आत्मरक्षा का मामला नहीं है, सारी वीडियो फोटोज से स्पष्ट क्लियर होता है। सर, फोन नहीं उठाने की शिकायत है कि उन्होंने कहा था कि निगम कमिश्नर को सभी लोगों को फोन लगाया था लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है और इस संबंध में, इस पर्टिकुलर घटना के संबंध में उन्होंने मुझे फोटो भेजे थे कि इसकी कार्रवाई को रुकवा दिया जाए और नोटिस की कॉपी भी भेजी थी। मेरे द्वारा तत्काल उनसे फोन करके ये बोला गया था कि ये फोटो से ही बहुत जर्जर भवन जो है प्रदर्शित हो रहा है, अतः इसकी कार्रवाई नहीं रुक सकती है। तो इस मामले को क्लियर कर दिया गया था, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.